तो मुड़ अमृतसर की गल करांगे। BSF के कैंप के गोलीबारी करके 5 जवानों की मौत हो गई, जिन्हों के लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कई जवान जख्मी दसे जा रहे हैं, जिन्हों का मुढ़ला इलाज हस्पताल दे विच कीता जा रहा है। सो अमृतसर के BSF के कैंप के गोलीबारी चली है, तो गोलियां चलन के नाल 5 जणियां की मौत हो गई, जिहड़े BSF के जवान सन। तो दूजे पासे जख्मी हालत में फौजियों नूं हस्पताल दे विच भर्ती करवा दिता गया। इस पूरे मामले की जांच मिलिट्री खुद कर रही है। सवेरे ड्यूटी गए थे, ड्यूटी गए थे तो नाश्ता करके चले गए थे, मैस में रह रहे। क्या नाम है इनका, उनका नाम क्या है, आपके बेटे का क्या नाम? मेरे बेटे का नाम राहुल, पता नहीं कौन बंदा है, हमें नहीं पता है वो कौन है। वो सब जगह चलाई उसने, पागल सब जगह। सो पीड़ित परिवारों के तुसीं जुबानी सुन सकते हो कि कौन बंदा सी, परिवारों को भी नहीं पता, पर फौज के इलाके दे विच जिथों के आम सिविलियन दे जान की इजाजत नहीं हुंदी। पर इस पूरे मामले तो बाद पुलिस की कुछ कह रही है, मनीष साढ़े पत्रकार इस खबर से जानकारी की ज़्यादा सांझ पाएंगे। मनीष, सब तो पहले इस चीज़ की जानकारी दिओ कि मारन वाला कौन सी, की रंजिश सी, पूरा वाकियात किवें वापरिया। BSF के कैंप के गोलीबारी चली है, जिथों के 5 फौजी जवानों की मौत हो चुकी है। मनीष, मेरी आवाज़ तुहाडे तक ठीक तरीके नाल पहुँच पा रही है? मनीष, की तुसीं मैनूं सुन पा रहे हो? सो जुड़न की कोशिश करांगे क्योंकि लगातार इस खबर से असीं बने हुए हैं। मनीष, मेरी आवाज़ तुहाडे तक आ रही है? जी बिल्कुल। मनीष, मामला की सी, सब तो पहला सी जानना चाहांगे कि 5 फौजियों की मौत हो चुकी है, पुलिस की कह रही है, ते आर्मी इंटेलिजेंस दा की कहना है? फिलहाल इस मामले च जड़ी आर्मी दी जड़ी कोर्ट है ओ ते इंक्वायरी बिठाई गई है। मामला जड़ा इत्थों दिखासा दा है, जिथे मैस दे विच जड़ी है इक सटप्पा SK जड़ा है कांस्टेबल ओदे वल्लों फायरिंग कीती गई सी, जिहदे च 4 लोगों के मौत की खबर सी। उस तो बाद जड़े ने 4 जो लोग जड़े ने जख्मी ने, जो BSF के जवान जड़े जख्मी ने। फिलहाल आप इस वे एक निजी हस्पताल च खड़े हाँ एयरपोर्ट रोड के उपर, जिथे 4 के जड़े शरीर इतने पे ने, बॉडीज इतने पी हैं जिन्होंने सरकारी हस्पताल जाए। मनीष, कारण की सी गोली चलाने का, कोई सामने आ सके तफ्तीश के विच? जी बिल्कुल, हजे तक जी BSF वालों जी चीज न स्पष्ट नहीं किया गया, ना ही पुलिस वालों कुछ स्पष्ट किया जा रहा। फिलहाल ये ना तो हजे तक BSF वालों कोई इस तरह मीडिया वास्ते कोई चीज सामने आई है, ना ही कोई है पुलिस इस मामले च। कोई परिवारक मेंबर उस जवान का सामने आया हो जिसने ये गोलियां चलाईयां, कोई मानसिक तौर पर जवान परेशान सी जां कोई रंजिश का पूरा मामला सी? फिलहाल जी हजे दसिया जा रहा है कि जो जवान ने गोलियां चलाईयां उहदी भी मौत हो चुकी है इस मामले च, लेकिन हजे जी आर्मी है वह इंक्वायरी तो बाद जी उन्हों का कहना, साढ़े आर्मी के अधिकारियों ने गल हुई, उन्होंने कहना कि इंक्वायरी तो बाद ही सारा मामला साफ हो पाएगा कि कोई रंजिश सी या किस कारण से जी उसने फायरिंग की है। बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी की सांझ पाउण लई। सो अमृतसर BSF कैंप के गोलीबारी की घटना वापरी है, जितों के BSF के 5 जवानों की मौके पर मौत दसी जा रही है। गोली चलाने वाला खुद भी इस जहान तुर चुके, पर अहम सवाल यह है कि गोली चलाने वाले की भी मौत हो चुकी है, तो दूजे पास कारण की रहे? 5 लाशों का पोस्टमार्टम हो रहा है।